हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल बाइक व्हील में। तो दोस्तों, आज आपके लिए लेके आए हैं द ऑल न्यू 2022 की NS 200, जो कि आपके सामने प्रेजेंट है ग्रे कलर में। तो एक भाई का क्वेश्चन आ रहा था कि क्या कंपनी 2023 मैन्युफैक्चरिंग NS 200 या NS 160 प्रोवाइड कर रही है कि नहीं। तो फिलहाल अभी मैं आपको सिर्फ दिखा सकता हूँ लेटेस्ट वेरिएंट, क्योंकि ये 2022 दिसंबर की है मैन्युफैक्चरिंग और ये 200 सीसी सेगमेंट की है। यहाँ पर हमारे पास 160 भी है वाइट कलर में, जस्ट आप आगे देख सकते हो, ये रहा NS 160। तो दोनों ही 2022 दिसंबर की मैन्युफैक्चरिंग है, वो भी हम इस वीडियो में आपको दिखा देंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस 2022 वेरिएंट वाले NS 200 के बारे में, कि क्या कुछ आपको कंपनी इस वेरिएंट में प्रोवाइड कर देती है। तो सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग ईयर देख लो, जो कि है 20 दिसंबर 2022। अगर आपको 23 का मैन्युफैक्चरिंग चाहिए तो उसके लिए लगभग आपको 4 to 3 months वेट करने पड़ेंगे। आइए इस बाइक के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये 200 सीसी सेगमेंट में बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अगर आप सोच रहे 200 सीसी में कोई एग्रेसिव बाइक लेने के लिए, जिसका आपको राइडिंग पोस्चर और लुक्स में भी अच्छी लगी, तो स्पोर्ट्स नेकेट में आती है NS 200। बाकी फ्रंट लुक देख लो, फ्रंट लुक में कोई भी चेंजेस नहीं है, सिंपल सा वही आपको स्टाइल देखने के लिए मिल जाता है। बजाज का लोगो, हैलोजन बल्ब सेटअप मिलता है। अब इसमें आपको कोई भी LEDs देखने के लिए नहीं मिलते हैं, बाकी नीचे के आपको DRLs मिल जाएंगे। बाकी यहाँ पर आपको फ्लेक्सिबल इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, जो कि बल्ब में प्रेजेंट है। और वहीं बात करें लुक्स के बारे में, तो लुक्स एग्जैक्टली सेम है। नंबर प्लेट लगाने का प्लेसमेंट आपको नीचे की ओर मिल जाता है देखने के लिए। मडगार्ड में आपको कार्बन फाइबर वाली फिनिश देखने के लिए मिल जाती है, जो कि आप देख सकते हो लुक वाइज। और सस्पेंशन के बारे में बात कर ले दोस्तों, तो यहाँ पर आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन कंपनी प्रोवाइड कर देती है। और यहाँ पर आप ABS देख सकते हो। इस वेरिएंट में कंपनी आपको सिंगल चैनल ABS का सपोर्ट प्रोवाइड कर देती है। और ये रहे इसके टेलीस्कोपिक सस्पेंशन। और नीचे की ओर देखोगे तो ऑल ओवर का टायर सेक्शन देख सकते हो, डिस्क देख सकते हो। डिस्क आपको बहुत ज़्यादा बड़ा मिल जाता है, 300mm का डिस्क सेक्शन मिल जाता है। और यहाँ पर आपको वाइब्री के कैलिबर्स देखने के लिए मिल जाते हैं, डुअल पिस्टन कैलिबर्स। डिस्क सेक्शन 300mm का मिल जाता है। यहाँ पर आपको ABS सेंसर दिख जाएगा। बाकी ग्राफिक्स आपको मिल जाते हैं अलॉयज में, और 17 inches के अलॉयज हैं। और रिफ्लेक्टर्स आपको राइट टू लेफ्ट मिल जाते हैं। टायर सेक्शन 100x80 का मिल जाता है। वहीं बात कर ले रेयर के बारे में, तो स्प्लिट में ग्रैब रिल देखने के लिए मिल जाती है। वही सिग्नेचर स्टाइल इसका टेल लैंप आपको देखने के लिए मिल जाएगा NS 200 का। बाकी टेल ID हो गई है, नंबर प्लेट लगाने का प्लेसमेंट, रिफ्लेक्टर्स। और नीचे की ओर आपको दो स्प्लिट में टायर हगर मिल जाएंगे, ऊपर की ओर इंडिकेटर्स। यहाँ पर भी आपको कार्बन फाइबर वाला फिनिश मिल जाएगा देखने के लिए। टायर सेक्शन आपको रेयर का मिल जाता है, 130x70 17 inches के अलॉयज मिल जाते हैं। और यहाँ पर आपको सिंगल पिस्टन कैलिबर्स मिल जाता है। डिस्क सेक्शन 240mm का मिल जाता है। और यहाँ पर आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिल जाता है नाइट्रॉक्स के साथ, तो यहाँ पर आपको सस्पेंशन अच्छा देखने के लिए मिल जाता है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो इसके फुटरेस्ट, जो कि आपको मेटल में देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको ग्रे कलर में NS और 200 वाइट कलर में देखने के लिए मिल जाती हैं दोनों ही तरफ। बाकी यहाँ पर एक सारी गार्ड है, कोई भी सिंगल फीमेल फुटरेस्ट उसमें आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। बाकी ये जो सीट आपको मिलती है, ये स्प्लिट में कंपनी प्रोवाइड कर देती है। थोड़ी सी रफ़ एंड टफ मिलती है, और थोड़ा सा इसका जो सिटिंग पोस्चर है वो भी आपको लीन तरफ मिलेगा, मतलब थोड़ा सा एग्रेसिव पोस्चर मिलेगा। सीट हाइट आपको मिल जाती है अप्रॉक्सीमेटली 805mm की। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो टैंक पैड मिल जाते हैं, और जो टैंक आपको मिलता है फुल्ली ग्लॉसी ग्रे कलर में। यहाँ पर आपको पल्सर 3D लोगो मिल जाता है सिल्वर कलर की फिनिश के साथ। यहाँ पर आप देखोगे तो लुक्स वाइज कुछ बाइक ऐसी दिखती है। 200 आपको वाइट कलर की ग्राफिक्स के साथ देखने के लिए मिल जाता है। टैंक कैपेसिटीज़, और यहाँ पर आपको फ्यूल इंजेक्शंस, ये सब सारे चीज़ें लिखे हुए मिल जाते हैं। टैंक कैपेसिटी आपको 12 liters की मिल जाती है। कंपनी क्लेम्स की ये बाइक माइलेज प्रोवाइड करेगी 40+, तो माइलेज भी अच्छा खासा आपको देखने के लिए मिल जाता है। वहीं बात करें इंजन के बारे में दोस्तों, तो यहाँ पर कंपनी आपको डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड कर देती है। 199.5 cc का इंजन, लिक्विड कूल 4-स्ट्रोक SOHC 4-वॉल BS6 सिंगल सिलेंडर DTSI इंजन है। मैक्सिमम PS 24.5 PS और टॉर्क है 18.74 Nm, जो कि आपको 8000 RPM में देखने के लिए मिल जाता है। बाकी आगे की ओर आपको रेडिएटर दिख जाएगा, और इसका जो इंजन काउल मिलता है वो आपको फाइबर में देखने के लिए मिल जाता है। बाकी एक बार इंजन को उस तरफ से भी दिखा दूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसका गियर है, जो कि आपको नंबर्स ऑफ गियर्स 6 मिल जाते हैं, 1 down 5 up। और साइड कट ऑफ सेंसर भी मिल जाता है, विद डुअल स्टैंड का सपोर्ट भी इस बाइक में आपको देखने के लिए मिल जाता है। वहीं बात करें हैंडल्स के बारे में गाइस, तो यहाँ पर कंपनी आपको क्लिप ऑन हैंडल्स प्रोवाइड कर देती है। यहाँ पर आपके पासिंग लाइट्स हो गए, या आपके लो बीम हाई बीम इंडिकेटर्स हो गए, यहाँ पर आपके हॉर्न हो गया, बाकी किल स्विच और सेल्फ देखने के लिए मिल जाता है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो मिरर की क्वालिटी आपको अच्छी खासी मिल जाती है, लीवर्स मिल जाते हैं, और एक्सेलरेशन आपको अच्छा देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि PS आपको अच्छा खासा मिल जाता है। बाकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में भी कोई अपडेट नहीं है, वही आपको डिजिटल में मिल जाता है इसका आपका स्पीडोमीटर और टैकोमीटर एनालॉग में मिल जाता है देखने के लिए। बाकी ट्रिप्स 2 मिल जाते हैं, ओडो है
क्लॉक्स हैं और आपको फ्यूल लो फ्यूल इंडिकेटर, साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर, फ्यूल गेज, यही सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाती है। फिलहाल अभी कोई ज़्यादा अपडेट्स तो है नहीं इसमें, जैसी बाइक आपको देखने के लिए मिल रही थी सेम मिल रही है। बाकी इसमें आपको टोटल 4 कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं और प्राइसिंग के बारे में बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 2000 जो रुपीज़ है वो इंक्रीज़ कर दिया कंपनी ने। तो इसका एक्चुअल प्राइस स्टार्ट होता है 142,163 और जो ऑन रोड प्राइस है गाइस वो सिटी टू सिटी वेरी करती है। हमारी सिटी में इसका ऑन रोड प्राइस आ रहा है 172,191 रुपीज़ के आसपास। आपकी सिटी में जो भी इसका ऑन रोड प्राइस हो रहा होगा मुझे कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा। लास्ट पॉइंट के बारे में बात करें डायमेंशन के बारे में गाइस, तो गाड़ी का लेंथ आपको मिल जाता है 2017 mm का, हाइट मिल जाती है 1075 mm की, वाइडनेस मिल जाती है 804 mm का, सीट हाइट जैसा मैंने आपको कहा था 805 mm की, ग्राउंड स्पेस इसका आपको मिल जाता है 168 mm का और टोटल गाड़ी का कर्व वेट मिल जाता है 160 kg का। तो यहाँ पर आपको कर्व वेट थोड़ा सा राइट देखने के लिए मिलता है इन 200 सेगमेंट में। बाकी ऑल ओवर लुक्स में कोई भी चेंजेस नहीं है 2022 मैन्युफैक्चरिंग के साथ अभी हमारे शोरूम में प्रेजेंट है। अगर ये बाइक आपको परचेज करनी है तो शोरूम के डिटेल्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, उन्हें कॉन्टैक्ट करके ये बाइक आप बुक कर सकते हो। सो गाइस अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, होपफुली ये वीडियो आप सबके लिए यूजफुल हुआ होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक एक कमेंट जरूर करना और चैनल पर पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय एंड टेक केयर।